प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शिवशंकर उरांव जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश की एक उच्च स्तरीय टीम गठित हुई थी जो 12 तारीख को लातेहार जिला के गारू प्रखंड के पीरी गनईखाड़ गांव में एक निर्दोष ग्रामीण की पुलिस के द्वारा निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई उसकी जांच के लिए हम सभी लोग हमारा टीम वहां गया हुआ था। और इस टीम में प्रदेश की तरफ से शिवशंकर उरांव जो मैं स्वयं था, राम कुमार पहान जी, गीता बाल मुचू जी, बिंदेश्वर उरांव जी, विजय कुमार मेलगंडे जी, राजेंद्र मुंडा जी, अंजलि लकड़ा जी और रवि मुंडा जी, कुल हम लोग 8 लोग पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, जैसा बताया गया कि राम कुमार पहान जी हमारे प्रभारी, बिंदेश्वर उरांव जी महामंत्री, मेलगंडे जी महामंत्री, अंजलि लकड़ा जी सांस्कृतिक अनुसंधान की प्रभारी और रवि मुंडा जी हमारे सचिव, सभी 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 हम लोग साथ में गए थे। हम लोगों के लिए बहुत सुखद अवसर था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा राज्यसभा के सांसद समीर उरांव जी भी हमारे साथ में, इस टीम के साथ में घटनास्थल पर गए हुए थे। और हम लोगों ने वहाँ पर पीड़ित परिवार से और जिन जो जो लोग वहाँ उस दिन मौजूद थे उन सबसे हम लोगों ने मिलकर के बात किया और जो घटना सामने आई उसमें यही है कि 12 तारीख को 13 तारीख को सरहुल होने वाला था। 12 तारीख को एक दिन पहले, सरहुल के एक दिन पहले आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में सरहुल पर्व के पहले गांव के लोग जंगल जाते हैं शिकार खेलने के लिए या फिर नदी नालों में केकड़ा ने किया उसको तो नक्सल कांड बता करके एनकाउंटर बताने का जो प्रयास किया जा रहा है, वैसे प्रशासन के पास ये जनजाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश का ये टीम क्यों जाए। इसलिए हम लोगों ने उनके पास जाने का कोई हम लोगों को औचित्य नहीं दिखा। हम लोग सीधा सीधा संबंधित जो भी मानवाधिकार को देखने वाले, जनजातियों को देखने वाले, जैसा मैंने बताया राष्ट्रीय जनजाति कमीशन को हम लोग आग्रह करेंगे और मानवाधिकार आयोग को आग्रह करेंगे कि इसकी जो सच्चाई है, हम लोग तो सच्चाई देख करके आए हैं, लोगों से सुन करके आए हैं, पुलिस प्रशासन से, आप लोग मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सब, उनसे आप पूछ रहे होंगे तो वो सच्चाई को बता नहीं रहे। तो ऐसे प्रशासन के वैसे पदाधिकारियों से, SP या DC से मिल करके न्याय मिल जाएगा। हम लोग पहले से जानते हैं कि सरकार अपने जो करिंदे हैं, जो प्रशासन के अपने अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनका बहुत दुरुपयोग जनजातियों के खिलाफ कर रही है। इसलिए हम लोगों ने उनसे मिलना औचित्य नहीं समझा, नहीं मिले। अच्छा, बीजेपी के नेताओं पर 150 लोगों पर बढ़ने लगे हैं, खेतों में देखिए, झारखंड की सरकार जब अपने अधिकार के लिए आम जनता खेतों में उतर रही है तो उसको लॉकडाउन का उल्लंघन कह करके FIR किया गया है, यह बहुत ही हास्यास्पद है। गांव में, खेत में, खलिहान में लोग नहीं निकलेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर गांव के लोग अपने खेतों में, उनको जो न्याय नहीं मिल रहा है, उन्होंने जो फसल बेचा था, उन्होंने जो बीमा कराया था नहीं मिला है, उसके लिए वो अपने खेतों और खलिहानों में वहाँ रह करके स्वयं खड़े होकर के उन्होंने अपनी मांग को मांगा है। ये सरकार तो डर गई है कि अब खेत खलिहान के लोग भी खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर राज्य के गरीब किसान मजदूर और मजलूम जो भी पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। वो 150 पे FIR आप करो या 1000 पे FIR करो, भारतीय जनता पार्टी आम जनता के न्याय के लिए, उनके हक दिलाने के लिए निश्चित तौर पर हमेशा हर जगह खड़ी रहेगी। जनजाति मोर्चा का
एक उच्च स्तरीय कमेटी 12 तारीख की जो फेक एनकाउंटर की घटना हुई थी उसकी जांच के लिए गई हुई थी, वहां पीड़ित परिवारों से मिली, वहां का वस्तु स्थिति को अपनी आँखों से पूरे टीम ने देखा। इस टीम में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उरांव जी भी साथ में थे। हम लोग उनकी अगुवाई में हम सब लोग वहां गए थे और ग्रामीणों से बात किया, स्थान को देखा। वहां पर जिस प्रकार से एनकाउंटर किया गया फेक एनकाउंटर है और जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत ग्रामीणों को गोली मार दी गई, उसमें ब्रह्मदेव सिंह की हत्या हुई। खरवार समुदाय जनजाति समुदाय के थे और वो सरहुल त्यौहार के एक दिन पहले जो परंपरागत शिकार खेलने का, मछली मारने का जो परंपरा है उसके लिए वो निकल रहे थे। उन्होंने हाथ उठा करके बताने का कोशिश किया कि हम लोग नक्सलाइट नहीं हैं, हम लोग गांव के लोग हैं। उसके बावजूद पुलिस वालों ने, जगुआर वालों ने, वहाँ जो आर्म्ड फोर्स थे जो जंगलों में छुपे हुए थे, उन लोगों ने उन पर गोली चलाई और 50-60 राउंड से अधिक गोलियाँ चलाई। उसमें एक व्यक्ति के हाथ में लगी और एक व्यक्ति को तो उन्होंने मार ही डाला। क्या डिमांड है आपका? अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश का की मांग है कि पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा मिले और मृतक की पत्नी इंटर पास है, उसको सरकारी नौकरी उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार सरकारी नौकरी मिले और ग्रामीणों को न्याय मिले, भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए राज्य की सरकार गंभीरता से कदम उठाए। और ये जो फेक एनकाउंटर हुआ है, इस फेक एनकाउंटर में जो लोग संलिप्त थे उनको सजा मिले और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। की सरकार वर्तमान झारखंड सरकार, आम जनता जब अपने खेत खलिहानों में अपने हक के लिए निकल रही है तो एक तरह से घबरा गई है, और वो भारतीय जनता पार्टी जो आम लोगों को, आम नागरिकों को उनके हक अधिकार के लिए साथ दे रही है, तो चुन करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आपके अनुसार प्रदेश अध्यक्ष पर FIR किया गया। FIR करो, जितना करना है करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता की, आम नागरिकों के अधिकार और हक के लिए निश्चित तौर पर उनके साथ खड़ी रहेगी। बहुत धन्यवाद सर, ये आपने आपको बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं ये झारखंड सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को, हेमंत जी बोलते हैं कि हम आदिवासी समाज के हैं, हम जनजाति समाज के लोगों के जो परंपरा है, सांस्कृतिक है, उसको हम जानते हैं, तो आप किस आधार पर हमारे जनजाति समाज के लोग जो शिकार खेलने गए थे उस पर आपने गोली चलवाया? और सबसे बड़ी दुखद है कि क्या झारखंड सरकार के जो खुफिया एजेंसी है या तो स्पेशल ब्रांच है, क्या ये गाँव के लोगों को भी पहचानने के लिए नहीं पहचान नहीं सकते हैं? क्या उनको ये गतिविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं रहता है? इसका मतलब साफ जाहिर है कि झारखंड सरकार निश्चित रूप से इसके प्रति किसी भी तरह का कोई संवेदनशील नहीं है। दूसरा, मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नक्सली, ठीक है, जंगल में रहता है, जंगल में उनको गोली चलाना चाहिए था, लेकिन घर से लगभग 50 फीट की दूरी में वो लोग ठीक ही निकला था और वहाँ पर अंधाधुंध गोली चलाना, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की बात है? इसलिए हम सब लोग ने जो वहाँ पर जाके देखा, ये निश्चित रूप से एक सोची समझी एक चाल है झारखंड सरकार का, यहाँ के जनजाति समाज के लोगों को एक एक करके मारो और यहाँ पर हम लोग राज करो। इसलिए मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि जो भी दोषी पुलिस है, ये मृतक परिवार की ओर से उस पर FIR हो, और जो पुलिस उस पर गोली चलाया है उस पर निश्चित रूप से FIR करके उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उसको फांसी की सजा मिले, और जो मृतक परिवार है उनको, ठीक है, हमारे अध्यक्ष जी बोले 20 लाख रुपया और उनको एक सरकारी नौकरी मिले, ये जनजाति समाज मांग करती है। दूसरा, इसको जांच के लिए हम लोग निश्चित रूप से मानव अधिकार आयोग और जनजाति जो कमीशन है झारखंड भारत सरकार का, उस पर हम लोग आग्रह करेंगे कि उस पर जांच होके उनके पीड़ित परिवार को न्याय मिले। दूसरा, हमारे अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा कि चूंकि जिस व्यक्ति को लोगों ने मारा वे घर से 50 फीट की दूरी पर था, उन्होंने हाथ खड़ा करके ये कहा कि सर हम ग्रामीण हैं, गांव के रहने वाले हैं, और उसके बावजूद भी उनके ऊपर गोली चलती है, उनके पैर में जब लगा और गिर जाते हैं
और गिरने के बाद भी गांव वाला जब वहां पर जुटते हैं और गांव वाला लोगों को भगा दिया जाता है और फिर उसको उठा के ले जाके कुछ दूरी पर और उनकी कनपट्टी पर मार के उसको हत्या किया जाता है ताकि पुलिस ना फंसे, तो इस तरह का पर्दाफाश करके हमारे जनजाति समाज के लोगों का जो मारने का काम किया है, ये निश्चित रूप से झारखंड सरकार का कहीं ना कहीं हाथ जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि इस उचित पटल पर इस बात को रखा जाए और निश्चित रूप से जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।